Hey all, welcome back to my channel again. Today we'll be talking about the methods of sterilization, what methods we used in the sterilization process. So let's go ahead. So first one is your physical method, second one is your chemical method, and third one is your mechanical method, right? So in physical method, we will be talking about dry sterilization, moist sterilization, radiation sterilization, UV light sterilization, and ionizing radiation sterilization, right? But in chemical methods, the methods in which chemicals are involved. So here in this, sterilization by heating with bactericide, then gaseous sterilization is also included in this. Right, then third one is the mechanical sterilization, where we use a mechanical methods for the sterilization purposes, like ceramic sterilization, seed sterilization, sintered glass filters for the sterilization purposes, sintered metal, and the membrane filter for the mechanical sterilization, right? So let's talk about in detail. So first one is dry heat sterilization. See, the name suggests itself, what kind of sterilization is this? Dry heat sterilization means जब आप dry heat देकर, simply heat देकर जिसमें moisture बिल्कुल भी involved नहीं है, वो heat देकर आप अपने glassware की या even अपने product की sterilization करना चाह रहे हैं, right? मैं products यहाँ पे या glassware यहाँ पे इसलिए use कर रही हूँ because dry heat sterilization में जो equipment use होता है, वो basically glassware को sterilize करने के लिए ही ज़्यादा use होता है, right? So mostly हम glassware को practical lab के अंदर उसमें sterilize करते हैं, right? So in case of dry sterilization, we use hot air oven. So this is the picture of hot air oven. It's a very very simple equipment. You have nothing to do. आपको just अपना material इसके अंदर place करना है, इसको बंद करना है, एक temperature set करना है एक particular time तक, and उसके बाद अपने glassware इसमें से remove कर लेने हैं जिनको आपको sterilize करना था, right? तो वो sterilize हो जाएंगे, right? So ये बहुत ही simple है. इसका जो टेम्परेचर होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस हम यूजुअली रखते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स. कई बार हम 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, फिर उसका टाइम एक्सपोजर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर करेंगे और उतना टाइम एक्सपोजर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देंगे, तो उतना ही वो किल होगा. क्योंकि ग्रेजुअल अगर हम देखें तो ग्रेजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर जाता है, बट अगर हम इमीडिएट हीट देते हैं उसको, डायरेक्ट हीट देते हैं बिल्कुल हाई टेम्परेचर की, तब वो जल्दी से किल नहीं हो पाता है, राइट? तो अगर आपको वो वीडियोज़ डिटेल में जाननी है, तो उसके लिए लिंक गिवन है नीचे, तो वहाँ से आप क्लिक करके आप देख सकते हो वो वीडियो, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, so this hot air oven will work upon this temperature 160 degree celsius for approximately 2 hours. और जो ये हम हीट देते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पोर्स किल नहीं होते हैं, राइट? बैक्टीरियाज को आप इजीली किल कर सकते हो हॉट एयर ओवन के अंदर, बट स्पोर्स जो हैं वो किल नहीं होते हैं, राइट? सिंपल प्रोसेस है. आप इक्विपमेंट देखिए, आपको जस्ट करना क्या होता है, इसमें प्लेट्स गिवन हैं. अगर आप ध्यान से देखें, पीछे फ़ैन लगा हुआ है, एक यहाँ पर प्लेट्स हैं. सो पेपर यूज़ करना है, जो भी ग्लासवेयर्स हैं उनको उसके ऊपर रख देना है, राइट? और फिर उसके बाद हम इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर अपना ग्लासवेयर्स जो है वो आसानी से रख देंगे. एंड देन जो डोर है इसका, वो क्लोज़ कर देंगे. इस डोर के ऊपर एक ग्लास विंडो अटैच होती है, जिससे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, राइट? सो नीचे जो है एक टेम्परेचर इंडिकेटर दिया होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेड कलर का स्पॉट भी दिखाई दे रहा होगा आपको. देर इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब हेयर, राइट? सो आप टेम्परेचर सेट करेंगे आप इसके अंदर, राइट? और इसको क्लोज कर देंगे. सो जितना भी टाइम आपको रखना है इसके अंदर, उसके बाद आप इसको जस्ट रिमूव कर लेंगे, और जो भी हमारी टेस्टिंग होगी या इवन जिस भी पर्पज़ के लिए हमें उन ग्लासवेयर्स को यूज़ करना है, हम उन्हें लैमिनार एयर फ्लो के अंदर जो है रख देंगे, ताकि उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी अभी रहे ना, और वो स्टरलाइज्ड कंडीशन के अंदर ही रहें, राइट? सो ये है हॉट एयर ओवन, एंड दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स. एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? इट इज़ अ सूटेबल मैथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सब्सटांसिस डिस्ट्रॉयड बाई मॉइस्चर, राइट?
तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हम इजीली स्टरलाइजेशन करते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई नॉब्स अटैच नहीं करनी है। जस्ट आपको अपना सामान, जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, इसके अंदर रखना है, और वो ऑटोमेटिकली हीट की हेल्प से, ड्राई हीट की हेल्प से स्टरलाइज हो जाएगा, बिकॉज़ बैक्टीरियाज ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देन दी डिसएडवांटेजेस, लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सब्सटेंस जो है, अगर आप प्रोडक्ट को स्टरलाइज करना चाहते हैं और वो थर्मो लबाइल है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर वो नहीं बियर कर सकता है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा, राइट? सो ये इसके डिसएडवांटेज हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज़ द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सो इन दिस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वी यूज़ वाटर, लाइक इट सेड अर्लियर। ड्राई हीट में आप सिर्फ सिंपल हीट यूज़ करोगे, कोई भी मॉइस्चर या वाटर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका वाटर इन्वॉल्व रहेगा और उस वाटर की वजह से जो है वेपर्स बनेंगे, स्टीम बनेंगे, और स्टीम की वजह से आपका प्रोडक्ट या आपके ग्लासवेयर्स स्टराइल होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि ये ऑटोक्लेव का स्ट्रक्चर है। और ऑटोक्लेव के अंदर हम स्टीम जनरेट करते हैं अंडर प्रेशर, राइट? हैं इसका टेम्परेचर जो बेसिकली होता है वो है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, और 15 LB प्रेशर ही हम इसको देते हैं ताकि ये रन कर पाए, राइट? सो ये सुंदर सा डायग्राम देखिए। अब इस ऑटोक्लेव के अंदर नॉब्स लगे होते हैं, ये आप अपर नॉब्स देख सकते हैं, जिसको नाम दिया गया है स्क्रू फास्टनर। ओके, सो स्क्रू फास्टनर्स लगे होते हैं, ये है, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं लिड, राइट? जहाँ पर स्क्रू फास्टनर, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर गॉज, और ये प्रेशराइज्ड हुड, और ये रबर सील अटैच है। रबर सील एक्चुअली ये कंटेनर के साथ अटैच है नीचे वाले, बट ऊपर जो ये चीज़ है ढक्कन की तरह है, तो इसलिए हम इसको लिड बोलते हैं, राइट? ऑटोक्लेव लिड। सो ये लिड है, इस लिड पे सेफ्टी वॉल्व होगा, ये स्क्रूज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो स्क्रूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दो ही होंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 स्क्रूज़ इस पर होते हैं, राइट? और वो ऑल अराउंड द लिड होते हैं, राइट? तो ये लिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेफ्टी वॉल्व है, प्रेशर गॉज है। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व काम करेगा कि अगर इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, तो जैसे कुकर में सीटी लगती है, जब प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, तो सीटी ऊपर उठेगी और वो प्रेशर सारा रिलीज कर देगी। जस्ट लाइक दैट सेफ्टी वॉल्व का भी सेम काम है, अगर इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, तो ये सेफ्टी वॉल्व जो है एक कुकर के सीटी की तरह ऊपर उठेगी और प्रेशर को रिलीज़ कर देगी। प्रेशर गॉज जो है वो ये काम करेगा कि अंदर जितना भी प्रेशर बन रहा है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और हमें ऊपर नॉब पे पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर अंदर जनरेट हो रहा है, राइट? सो ये बात करेंगे है हमारी लिड की, राइट? अंदर की अगर हम बात करें, तो एक परफोरेटेड बास्केट अटैच है। उस बास्केट के नीचे हमने एक हीटिंग एलिमेंट अटैच किया है ऑटोक्लेव के अंदर ही। बॉटम पे हमने एक हीटिंग एलिमेंट जो है वो अटैच किया है, जिसकी हेल्प से हम हीट करेंगे। देन उसके अबव एक रेस्टिंग प्लेट है, जहाँ पे हम अपना कंटेनर जो है वो फिक्स कर देते हैं, या कह सकते हैं उसको प्लेस कर सकते हैं, राइट? अब हीटिंग एलिमेंट, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है उसके नीचे हमें पानी भरना है यहाँ पे, ठीक है? वाटर को हम यहाँ पे डाल दें, वाटर जो है हीट अप होगा विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग एलिमेंट। अब वाटर हीट होगा तो वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और वो वेपर्स जो हैं वो अगर हमने परफोरेटेड बास्केट के अंदर अपना मटीरियल, अपने ग्लासवेयर्स रखे हैं, तो जो स्टीम है वो उसको पेनिट्रेट करके, अगर वहाँ पर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनकी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सो ये सिंपल सी वर्किंग है आपके ऑटोक्लेव की। इसमें हमें अपने मटेरियल को इस परफोरेटेड बास्केट के अंदर रखना होता है, इसको ऑन करना होता है, राइट? जब हीटिंग एलिमेंट वाटर को हीट अप करेगा, तो वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स जो हैं वो ऊपर उठेंगे, क्योंकि प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। एट लास्ट 15 मिनट्स के बाद, क्योंकि आपको 15 मिनट्स तक ही इस इंस्ट्रूमेंट को रन करना है एट दिस टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर और इस टाइम के बाद आप उनको लिड को रिमूव करोगे, राइट? लिड को रिमूव करने के बाद जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो बाहर आएंगे, एंड देन उनको आप लैमिनार एयर फ्लो के अंदर प्लेस कर सकते हो फॉर फर्दर स्टरलाइजेशन, राइट?
सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ ऑटोक्लेव. आई होप आपको ये समझ आया हो. स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. राइट नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस ऑटोक्लेव. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड मोस्ट एफिशिएंसी विद मोस्ट एफिशिएंसी इन लेसर टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम. राइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छे से किल हो जाते हैं इसके अंदर. एंड डिसएडवांटेजेस आर अनसुटेबल फॉर द मटेरियल नॉट विदस्टैंडिंग द टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस और मोर ड्यूरिंग हीटिंग. राइट तो अगर कोई मटेरियल आपका ऐसा है जो कि इस टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकता है, इवन 121 डिग्री सेल्सियस को बियर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए प्रेफरेबल मैथड नहीं है. सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.